आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि एक्वेरियम हो या कोई भी कुदरती चीज हो अपने हिसाब से चलेगा? कितने लोगों को लगता है जो हम सोचेंगे वही होने वाला है, जैसे हम सोचेंगे वही होने वाला है? हमें कौन सा लाइट यूज करना है, जो भी यूज करेंगे प्लांट ग्रो हो जाएगा? कितने लोगों को लगता है? कुदरत अपने आप में सबसे शक्तिशाली है, हमसे भी। हम कुछ भी नहीं है इसके सामने। लेकिन जब हम एक एक्वेरियम लेके आते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सॉइल डालेंगे, वो सॉइल डालेंगे, वो लाइट डालेंगे, ये लाइट डालेंगे, कम खर्चे में डालेंगे। ये कुदरती है, इसमें कम खर्चा क्या है या ज्यादा खर्चा क्या है? बस अगर इसको छोड़ दिया जाए तभी इतना सुंदर बनता है। एंड वो सबसे महंगी चीज है आज के डेट में, बिकॉज पीपल, लोग कचरा करते हैं। थोड़ा यहां पे दिखाइए, कचरा करते हैं। सबसे सुंदर जगहों को भी कचरा करते हैं। कुदरत में एक गिरा हुआ पेड़ भी बहुत मायने रखता है, ठीक है? बिकॉज ये पेड़ इतने सारे जीव जंतुओं को जगह देता है, आसरा देता है, पनाह देता है। वो इसको खाते हैं एंड इसको कुदरत से मिला देते हैं, उनका काम वही होता है। आ जाओ पास में, आओ देखते हैं, कुछ दिखेगा क्या? ये इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे जीव जंतु है, ये देखो, ये रहा। और ये इसमें पनाह लेते हैं, इसमें रहते हैं, और भी छोटे छोटे होंगे। एंड इसको डीप डीकंपोज करने में मदद भी करते हैं। कुदरत में कुछ वेस्ट नहीं होता है, जितना भी वेस्ट है हम क्रिएट करते हैं। कुदरत में हर एक चीज, अब ये पेड़ गिरा हुआ है लेकिन इसमें भी उग रहा है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, खाद बनेगा दूसरे पेड़ों के लिए। कुदरत में कभी कुछ वेस्ट नहीं होता। जब हम कुदरत में कहीं जाते हैं तो क्यों जाते हैं? अपने मन की शांति के लिए, कुछ हैप्पीनेस के लिए। एंड जाते तो हैं अपने लिए, अपने खुशी के लिए, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हम ऐसे चलते हुए इधर उधर हाथ पैर मारते हुए बहुत कुछ चीजें खराब कर देते हैं। एंड आजकल तो वो सेल्फी लेने के चक्कर में तो बाबा रे बाबा। बिकॉज कुदरत में ना, ये एक छोटा सा मॉस, ये आओ पास में आओ, ये मॉस भी बहुत मायने रखता है। बिकॉज इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे जीव होंगे जिससे ये ग्रो होता है। इसको वापस रखते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये वुड का बार क्या, जो भी पीस जैसे कटा है, इसके अंदर ये देखो, ये मॉस देखो इसके अंदर कैसे ग्रो हो रहा है, इसके अंदर भी कितना लाइफ है। हर एक टुकड़े में कुछ ना कुछ होगा, देयर इज ऑलवेज लाइफ ऑल अराउंड। सो आज के इस वीडियो से मेरा कोशिश ये था कि आप बीइंग इन नेचर, कुदरत में रहने का मतलब जान सके, सीख सके, समझ सके। छोटा सा वीडियो है, अगर समझ जाए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अगर ना समझे कुछ नहीं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप जब भी कहीं पे कुदरत में जाओ तो देखो, छोटे छोटे चीज़ें देखो, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं,
उनका भी एक लाइफ होता है। तो आप जब कहीं पे जा रहे हो तो सावधानी से जाओ, एंड प्लीज डोंट लिटर, कचरा मत फेंको, जेब में डाल लो ना, घर में वापस आके डाल सकते हो। जो थोड़ा है कुदरत हमारे पास बचा है उसको बचाते हैं, ठीक है। सो हमेशा की तरफ मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम, आज हम ऊटी में हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, इंडिया का सबसे बड़ा पैलोडेरियम बना रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे टाइम पास वीडियो बना रहा हूँ, बट मज़ा बहुत आ रहा है। तो हम सब की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। देखते रहो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंजॉय करो, एंड कुदरत को रिस्पेक्ट करो, बचाओ। ओके, बाय।